किसने सोचा होगा कि एक छोटी लड़की पूरे घर को अपने रोने से उठा सकती है। दादी अपने रॉकिंग चेयर से जागो और बहन को उसके पसंदीदा खाना से दूर किया जा रहा है। ओह माय गॉड, आखिर बात क्या है? और शेफ को रसोई से बाहर निकाला, आखिर हुआ क्या है? बच्ची इतनी जोर से क्यों रो रही है? यह स्पष्ट है वह खाना चाहती है। सिर्फ प्रोफेशनल खाना नहीं बनाने वाले हैं। बच्चे को खिलाओ, चुनौती शुरू होती है। अब बच्ची गर्म पैनकेक्स का ढेर खाना चाहती है। खैर पैनकेक्स बनाना आसान है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर गूंथ लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स को तैयार कर रहे हैं। लेकिन बहन ने कुछ असामान्य के साथ बच्चे को खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है। पैनकेक्स बहुरंगी हो जाएंगे। वह उनमें से एक इंद्रधनुष बना देगी। यह बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से स्वादिष्ट मार्शमेलो और रंगीन स्प्रिंकल्स जोड़ देगी। और अब इंद्रधनुष पैनकेक्स का एक पहाड़ तैयार है। दादी मक्खन और शहद के साथ साधारण पैनकेक्स बनाती है, सरल लेकिन वर्षों से सिद्ध। दादी की पैनकेक्स रेसिपी किसी को भी दुखी नहीं छोड़ेगा। पैनकेक्स के लिए शेफ का अपना नुस्खा है। वह एक पोस्ट अंडा बनाती है और फिर हैम के स्लाइस लेती है और उन्हें पैनकेक्स की लेयर्स के बीच रखती है। ये बहुत सुंदर निकला। सजावट के रूप में साग का उपयोग कर सकते हैं और तैयार डिश के ऊपर पोस्ट अंडा डाल सकते हैं। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी। लाभ और विटामिन का सही संयोजन और एक बड़े हिस्से के साथ भी। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों के डिशेस की सराहना करने का समय है। किसका पैनकेक्स उसे सबसे ज्यादा खुश करेगा? चखने की शुरुआत दादी के पैनकेक से हुई। बेशक वे अच्छे हैं। इंद्रधनुष पैनकेक्स आगे है। वे बस स्वादिष्ट है, खासकर मार्शमेलो के साथ। शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं, लेकिन वे स्वाद में पूरी तरह से गंदे हैं। पोस्ट अंडे की कच्ची चर्बी उससे बह रही है। बच्चे ने इस डिश की सराहना नहीं की और इस दौर में जीत बड़ी बहन के इंद्रधनुष पैनकेक्स को जाती है। हम अपनी कलिनरी चुनौती को जारी रखते हैं। बच्ची का अगला ऑर्डर एक क्रोसेंट है। फ्रांसीसी सच्चे में नाश्ते के लिए कॉफी के साथ एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी क्या अब फ्रांस से है? उसने पहले ही उन्हें बनाया है या बल्कि तैयार आटा खरीदा है और अब क्रोसेंट को गर्म ओवन में रखती है। और बहन किस स्वादिष्ट चीज के साथ आई है? वो अभी ओवन में क्रोसेंट को डालती है, लेकिन जरा देखो कि उसने डिश के लिए कितने मीठे चीज तैयार किए हैं। लेकिन शेफ फ्रोजन आटे से कार्बोहाइड्रेट को पसंद नहीं करती है। आखिरकार वो जानती है कि सबसे अच्छे डिश वे हैं जो अपने हाथों से प्यार से तैयार किए जाते हैं। वैसे हमारे शेफ ने पेरिस में सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई खुद के लिए डिश तैयार करते थे, या बल्कि जो कभी फ्रांसीसी राजा रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही क्रोसेंट का इंतजार कर रही है। बहन और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देखते हैं। उसने कितनी चतुराई से आटा गूंथा, उसे लेयर्स में बिछाया और इसे अच्छे से मोड़ दिया। वाह क्या कौशल है। यह ओवन में क्रोसेंट को डालने का समय है। वह उन्हें तेल में नहीं बल्कि पार्चमेंट पर बेक करेगी, इसलिए क्रोसेंट और हेल्दी हो जाएगा। खैर ठीक है, बढ़िया कुकिंग स्किल्स। मुझे आशा है कि आपको इन क्रोसेंट की रेसिपी याद होगी। सिस्टर रॉयल क्रोसेंट रेसिपी का जवाब तुम कैसे दोगी? हाँ, न्यूटेला एक बढ़िया विकल्प है। मुख्य बात सब कुछ खुद खाना नहीं है बल्कि डिश के लिए थोड़ा छोड़ना है। दादी के क्रोसेंट तैयार है, बस ध्यान से ओवन से बाहर निकालना बाकी है ताकि वे जल न जाए और तैयार डिश में टॉपिंग डाले। ओह वहाँ क्या चल रहा है? बहन न्यूटेला में इतना खो गई है कि उसके क्रोसेंट जल गए हैं। जी हाँ, चॉकलेट नट का पेस्ट वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले क्रोसेंट को कैसे सर्व करें? और जलने की गंध के साथ भी सब कुछ बर्बाद हो गया। बस शेफ के क्रोसेंट को देखो, अविश्वसनीय रूप से चमकदार और आकार एकदम सही है। एक साफ कट,
और शेफ अपनी खुद की तैयार क्रीम अंदर डालती है और अंत में वह सजावट के रूप में कुछ बेरीज जोड़ती है और ऊपर से पीसी चीनी छिड़के। क्या हम फ्रांस में हैं? यह डिशेस को आजमाने का समय है। दादी से क्रोसेंट का स्वाद बहुत अच्छा है, हालांकि वे बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। वाह, और ये सिर्फ एक मास्टरपीस है। बिना किसी शक के शाही नुस्खा के अनुसार क्रोसेंट पहला स्थान लेता है। बच्ची उनकी वजह से अपनी बहन से तीसरी डिश ट्राई करना भी भूल गई है, और ये अच्छा है कि उसने नहीं किया। हम चुनौती जारी रखते हैं क्योंकि एक नया काम आने वाला है। बच्चा एक विशाल रसदार स्टैक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको पैन को अच्छी तरह से गर्म करना चाहिए और उसमें तेल डालना चाहिए, लेकिन इतना नहीं बहन। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए, और इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। वो खाना बनाना बिल्कुल नहीं जानती। शेफ अब तुम्हें क्लास देगी। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। हम आपको याद दिलाते हैं कि फ्राइंग पैन को मिस ना करें। जब मीट की बात आती है तो सिस्टर आश्चर्यजनक रूप से एब्सेंट है। अब इसे पलटने के लिए टुकड़े को टॉस करें, तवे पर दूसरी तरफ, फर्श पर नहीं। लेकिन फिर दादी को यह सब साफ करना होगा। बहन, आगे तलने से पहले मीट के टुकड़े से बाल और गंदगी निकालना मत भूलना। इस बीच वह स्टेक पकाने में सक्षम थी और उसने इसे जलाया भी नहीं। शैप के साथ बिताया गया समय व्यर्थ नहीं गया था, लेकिन कुछ गायब है। बेशक मुझे हाइंस केचप जोड़ना होगा, जो स्टेक के साथ अच्छा लगता है। हाँ, और ये बहुत स्वादिष्ट भी होगा। दादी का यह मानना नहीं है मीट में बस नमक की जरूरत है। आखिरकार अपने रस में पकते हुए यह पहले से ही काफी स्वादिष्ट और नरम हो गया है, और ऊपर सुगंधित रोजमेरी की एक टहनी। लेकिन शेफ नोस्ट्रेट गोक्से से प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। यहाँ तक कि कॉनर मैकग्रेगर ने खुद भी इसे खाया है, और हमारी बच्ची खाएगी। वाह, एक असली सुनहरा स्टेक है, जैसे दुबई रेस्तरां में। वाह, क्या पिच है। जब यह प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक को खाएगी तो मैं बच्ची का चेहरा देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। तो यह उसके लिए डिश आजमाने का समय है। केचप के साथ मीट उसे उतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन दादी का रसदार स्टेक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट निकला। सरल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। वाह, यह क्या है, गोल्डन स्टेक। यह सुंदर है, लेकिन क्या वह इसका स्वाद पसंद करेगी। मुझे नहीं लगता कि उसे ये पसंद आएगा। कमाल है, लेकिन दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। एक कहावत है कि सरल चीजें ही सभी को पसंद आते हैं। इस बार चुनौती के प्रतिभागियों ने पूरी तरह से तैयार है। आखिरकार अब बच्ची सुशी खाना चाहती है। तैयार करने के लिए एक लंबी और मुश्किल डिश। शेफ को इस बारे में कोई दिक्कत नहीं लगता। उसने सुशी के लिए एक विशेष चावल खरीदा, और अब वो जल्दी से इसे एक राइस कुकर में पकाएगी। यह बहुत आसान था, लेकिन बहन को राइस कुकर की आवश्यकता नहीं होगी, न ही चावल, न ही नोरी शीट्स की। आखिरकार वह सुशी को मीठी और खट्टी हरी बोरी बन से बनाएगी, उसमें गमी बार डालेगी। हाँ, इस तरह से। और अब इसमें जेली आके डालना है। वो अपनी दादी को ठीक से डराएगी। और सुशी को अपनी आंखों से सजाएं। यह कितना कूल और रसीला निकला। और वसाबी के बजाय वह हर्षी चॉकलेट सॉस के साथ डिश को तैयार करेगी। वाह, रंगीन मीठा सुशी। वाह, मुझे जानना है कि क्या समुराई ने भी ऐसी डिश खाई थी। वैसे भी यह खूबसूरती से निकला। मीठा सुशी वही है जो आपको एक बच्चे के लिए चाहिए। आप नहीं जानते होंगे, लेकिन शेफ ने एक बार जापान में मीजी राजवंश के शाही दरबार में काम किया था। सूर्योदय के समय वह शोगुन के निवास के पास स्थित रसोई में गई। उसने नोरी की एक शीट और मैट्स निकाली। वह उन पर माउंट फूजी के पास झरनों से निकाले गए पवित्र पानी में पहले भींगे हुए चावल फैलाती है। वह शाही बगीचे से एवोकाडोस लाई थी, और मछुआरों को निवास के बगीचे में तालाब से उसके लिए सबसे ताजा ट्राउट मिला। शेफ ने फिलाडेल्फिया रोल को रोल किया, उन्हें प्लेटों पर डाला और उन्हें नाश्ते में राजा को दिया। मीजी राजवंश के राजा ने उन्हें खा लिया और फिर काम करने चले गए। अब वह इस रेसिपी से बच्चे के लिए इंपीरियल फिलाडेल्फिया रोल अपने साथ लाई है। हाँ, लेकिन दादी सुशी को इतने अच्छे से नहीं बनाया,
लेकिन वो कुछ और लेकर आई है। पूरी फीलिंग को खीरे में भरा जा सकता है क्योंकि ये पूरी तरह से अपना आकार रखती है। ऊपर मछली रखो और बस खीरे के टुकड़ों में काट लो और वायला खीरा तैयार है। अब खाओ बेबी, जिसकी सुशी आपको सबसे ज्यादा पसंद है। खीरे के रोल अजीब लगते हैं, तुम उन्हें खाना भी नहीं चाहती। What? शेफ के रोल बस स्वादिष्ट है, जैसे सबसे अच्छे रेस्टोरेंट से आए हो। बस वही जो बच्ची ने ऑर्डर किया। ओह यस। वाह, वो आँख कितनी मजेदार लग रही है। वाह, वो मीठे स्वाद का है। बच्ची सच्ची में इसे पसंद करती है, एक स्पष्ट एडवांटेज के साथ। यह दौर बहन द्वारा जीता जाता है, इसे जारी रखो। इतना सारा सामान, बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है तुम इन सबसे बहुत ही स्वादिष्ट पास्ता बना पाओगी। कोशिश करनी चाहिए। कहाँ से शुरू करूँ? मैं शायद स्पैगेटी लूंगी। मुझे लगता है उसे पानी में डालना होगा। बस मैं बहुत अच्छी से सब कर रही हूँ। मुझे खुद भी इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वे पूरी तरह से अंदर क्यों नहीं जा रहा है? मैं चम्मच से कोशिश करती हूँ। हाँ, समझ गई। मुझे कुछ अलग सोचना होगा। मैं स्पैगेटी को बीच से तोड़ देती हूँ। बेचारी जैन, तुम्हें कुछ नहीं आता है। मुझे तुम पर अधिक ध्यान देना चाहिए था। चलो इसे अच्छे से करते हैं। मुझे देखो और सीखो। अब स्पैगेटी लो और इसे धीरे से गर्म पानी में डालो। थोड़े इंतजार करो और जब तक कि वे नरम ना हो जाए, पूरी तरह से पैन में ना डूब जाए। दादी, आपको एक लड़की को नहीं सिखाना चाहिए, उसे प्रोफेशनल से एक उदाहरण लेने की जरूरत है। तुम क्या करने वाली हो अम्मा? मैं घर का बना नूडल्स पकाऊंगी। वे स्टोर से खरीदे गए नूडल्स की तुलना में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ऐसा करने के लिए मुझे साधारण आटा, एक अंडा और थोड़ा नमक चाहिए। बस मैं इसे ठीक से गूंथती हूँ। आटा तैयार है। मैं इसे काला रंग देना चाहती हूँ। इसके लिए मैं कटल फिश इंक का उपयोग करूँगी। वे पूरी तरह से सुरक्षित है। इसकी केवल कुछ बूंदे लेना है। और अब मैं दस्ताने पहनूंगी ताकि मेरे हाथ गंदे ना हो, और मैं अपनी डो को फिर से ठीक से मिलाऊंगी। बस हो गया। यहाँ देखो, ये एक असली मास्टरपीस है। मैं इसे फिल्म से ढककर इसे थोड़ी देर छोड़ दूंगी। मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे पास इस डिश को पकाने के लिए पर्याप्त समय होगा। सब कुछ यहाँ नियंत्रण में है। यह आटा को रोल करने का समय है। यह सबसे कठिन काम है, लेकिन मैं यह कर सकती हूँ। और मैं एक विशेष चाकू ले लेती हूँ और आटे को स्ट्रिप्स में काट दूंगी। देखो यह कितना नरम है। मुझे यकीन है कि मेरी डिश बहुत स्वादिष्ट निकलेगी। मैं इस पर थोड़ा आटा छिड़क देती हूँ। अब सब ठीक है। अब हम इसे उबाल सकते हैं। मैं इसे उबलते पानी में डाल देती हूँ, इसे हिलाती हूँ और इंतजार करती हूँ। ध्यान रखना है कि पास्ता को एक साथ चिपकने नहीं देना है। अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं और अब मैं ड्रेसिंग तैयार करूंगी। मेरी राय में सी फूड पास्ता के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं बस कुछ छोटे ऑक्टोपस को फ्राई करूंगी और उन्हें इसके ऊपर रखूंगी। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम हाउथी डिशेस के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रखती हो। मैं सॉस डालती हूँ और बस यह खाने के लिए तैयार है। बॉबी निश्चित रूप से मेरे पास्ता को पसंद करेगा। मुझे लगता है मेरे बच्चे को केचप ज्यादा पसंद है। जेन, तुम क्या कर रही हो? मैं नूडल्स को पैन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा, बल्कि मुझे पास्ता खिचड़ी मिला है। मुझे लगता है इसे फेंक देना बेहतर है। मुझे तुरंत ही कुछ और सोचने की जरूरत है, नहीं तो मैं हार जाऊंगी। मुझे पता है, मैं तैयार चीनी नूडल्स लूंगी। बॉबी को हमेशा यह पसंद आता है। मैं इसे खोलूंगी, मसाले डालूंगी और उबलते पानी को भी डाल दूंगी। इस तरह मुझे खाना बनाना पसंद है। यह बेचारा सा लग रहा है, और मेरी राय में यह बहुत अच्छा है। ओ वाह, इतने सारे डिशेस! मेरी आंखें भाग रही हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ। यह थोड़ा अलग लग रहा है। मैं ऑक्टोपस बर्दाश्त नहीं कर सकता, वे डरावने हैं। लेकिन मुझे केचप के साथ पास्ता पसंद है। मुझे यह सॉस बहुत पसंद है। हाँ, बस अपनी उंगलियों को चाट कर खाने लायक। निश्चित रूप से दादी ने इसे पकाया है। चाइनीज नूडल्स एक अच्छा सरप्राइज है। मुझे यह हमेशा पसंद आता है। और सबसे अच्छा डिश कैसे चुनूं? अरे नहीं, यह इतना तीखा क्यों है? ऐसा लगता है किसी ने इसमें ज्यादा मसाला डाल दिया है। पर फिर भी यह अच्छा था। वाह, मैंने फैसला कर लिया, जीत मसालेदार नूडल्स की होती है। मेरा बच्चा अब क्या चाहता है? अब मेरे लिए चिप्स बनाओ। जैसी तुम्हारी मर्जी बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि आलू का क्या करना है। चिंता मत करो जेन, दादी तुम्हें सब कुछ सिखाएगी। सबसे पहले तुम्हें आलू को छीलना होगा और अब हम इसे जितना हो सके पतला काटते हैं। पैन में अधिक तेल डालो, ये एक स्वादिष्ट खस्ता क्रस्ट बनाएगा। पूरी तेज आंच पर स्टोव चालू करो और आलू को फ्राइंग पैन में डालें। यह कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। हाँ धन्यवाद दादी, मैं फिर से कोशिश करूंगी। मैं आलू लेती हूँ और उन्हें छीलती हूँ। लगता है मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। अजीब है, मेरे पास इतना छोटा टुकड़ा क्यों बचा है?
हालांकि मुझे लगता है कि स्वाद को प्रभावित नहीं करेगा। इसे टुकड़ों में काट लेती हूँ और अब मैं पैन में तेल डालती हूँ। मैं स्टोव चालू करती हूँ और इसमें आलू डाल देती हूँ। नहीं जेन, ऐसा मत करो। ओह, कितना गर्म, मैं तेल से नहा गई हूँ। ध्यान से आलू डालना चाहिए था। जल्दी से ढक्कन से खुद को कवर करो। खाना बनाना स्पष्ट रूप से तुम्हारे वश की बात नहीं है। नहीं दादी, आप देखना सब कुछ ठीक होगा। जेन, तुम्हारी वजह से मेरा ध्यान हट गया और लगभग मैं अपने डिश के बारे में भूल गई। मैं फिर से कुछ खास पकाने जा रही हूँ। मेरे चिप्स तुम्हारे जैसे आलू से नहीं बल्कि टॉर्टिया से बनाए जाएंगे। इसका शुक्र मनाओ कि इसकी वजह से वे और भी अधिक खस्ता और स्वादिष्ट होंगे। मैं कटा हुआ टॉर्टिया को गर्म तेल में डालती हूँ। देखो यह कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है, जैसा कि हमें चाहिए। बस इतना ही, अब इसे निकाल सकते हैं। हूबहू असली नैचोस की तरह। केवल मसाले गायब है, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगी। हमें डिश को अच्छे से सर्व करना होगा। मैंने टोस्टेड टुकड़ों को एक काली प्लेट पर रखा। देखो यह कितना सुंदर लग रहा है। मैं मसालों के बजाय चीज का उपयोग करूंगी। यह इसके साथ और भी स्वादिष्ट होगा। इसे निकलते देखकर ही जेब में पानी आ रहा है। कितना स्वादिष्ट है, बिना खाए अपने आप को रोक पाना मुश्किल है। मैं डेकोरेशन के लिए कुछ सब्जियां जोड़ूंगी बस। ओ हाँ, मैं लगभग भूल गई, मुझे नींबू का रस भी चाहिए। यह स्वाद को और बढ़ा देगा। देखो मैंने इसे कितने अच्छे से दो टुकड़ों में काटा है। मैं उन्हें प्लेट पर रखूंगी। वाह, मैं भी ऐसे डिश को मना नहीं करूंगी, लेकिन मेरे आलू बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्या मुझे वास्तव में सब कुछ फिर से फेंकना होगा? रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी, वे सभी खामियों को छिपाएंगे। मैं आलू के कटोरे में डालूंगी और ऊपर से इस पर अच्छे से मसाले को छिड़कूंगी और फिर इसे मिक्स करना है। मुझे नहीं लगता कि इतना मजेदार होगा। अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं। काफी अच्छा दिख रहा है। मैंने देखा कि आप सभी ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। बोन एपिटी बॉबी, जल्दी से चखकर बताओ। मैं इसके साथ शुरू करूंगा। कितने मसाले हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। यह आलू सुंदर लग रहा है। ओ वाह, ओ वाह, मैं क्या देख रहा हूँ, नैचोस। वाह, मुझे निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या यहाँ चीज सॉस है? मुझे यह पसंद नहीं है। बीच वाला डिश सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है। धन्यवाद मेरे बच्चे। ये असली केक है। यह सही है जेन, मेरे लिए केक बनाने के लिए उनका उपयोग करो। वाह, मैं अभी काम पर लग जाना चाहती हूँ। मुझे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मुझे मीठा खाना पसंद है, इसलिए दादी कोई भी मीठी चीज बनाने में महान है। सफेद स्पंज केक बटर क्रीम के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी डिश पहले से ही स्वादिष्ट लग रही है। काम का मुख्य हिस्सा है, हमें क्रीम को ठीक से चिकना करना होगा। और अब मैं अपने केक को चॉकलेट बार से सजाने जा रही हूँ। बॉबी उन्हें बहुत पसंद करता है। मैं और क्या जोड़ूंगी? हाँ, मैं समझ गई। ये माल्टेसर्स कैंडीज, ये एकदम सही लग रहा है। आप इससे बेहतर कुछ भी नहीं सोच सकते। मैं स्किटल्स के साथ इसे अच्छे से भर देती हूँ। बस हो गया, यह अंतिम कैंडी। क्या यह जादू नहीं है? मैंने अपनी पूरी आत्मा को अपने केक में डाल दिया। यह घर का बना बेकिंग के लिए बुरा नहीं है, लेकिन यह मेरे डिजर्ट की तुलना में कुछ भी नहीं है। वो फ्रांस के सबसे अच्छी पेस्ट्री की दुकानों के हकदार है। क्या आपने देखा है मेरा काम कितने परफेक्शन के साथ होता है? आखिर मैंने किचन में इतने साल बेकार में बर्बाद नहीं किए हैं। खैर, बीच में क्रीम है। अब मुझे केक को बिल्कुल आधे में काटने की जरूरत है। अब मैं ऊपर से थोड़ी सी क्रीम मिलाऊंगी और इसे ठीक से चिकना करूंगी। यह अब तक सरल दिखता है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरा विश्वास करो, मैं इसमें अभी कुछ क्रिएटिविटी जोड़ूंगी। मैंने केक के दूसरे आधे हिस्से को इस तरह ऊपर रखा और बीच में काट दिया, और अब मैं इसे अपनी तरफ रखूंगी। क्या आपको कुछ याद दिलाता है? जल्दी मैं रंग को जोड़ूंगी और आप सब कुछ समझ जाएंगे। बैंगनी, नीला, हाँ, ये एक असली इंद्रधनुष है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सभी काम एक कारण से किए हैं। मुझे थोड़ा और समय दो और तुम हैरान हो जाओगे। तुम हमेशा की तरह फिर कुछ बकवास कर रही हो। मान जाओ कि आप सिर्फ ईर्ष्या कर रही हैं, क्योंकि आपने इसे खुद नहीं सोचा था। देखो क्रीम कितनी चिकनी है, एक असली खूबसूरती। बादलों के रूप में यह फाइनल टच, ये बहुत हल्के और स्वादिष्ट लगते हैं। तुम सही हो, यह अंत में अच्छा निकला। मैं देख रही थी अपने केक के बारे में पूरी तरह से भूल गई। मुझे इसे तुरंत समाप्त करने की जरूरत है। अजीब लग रहा है, मैं इसे कैसे ठीक करूं? मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। यह एक कोशिश के लायक है, क्योंकि यह वैसे भी इससे बदतर नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम इसके ऊपर इस चीज की क्यों डाल रही हो। यह एक सीक्रेट है, अब जल्दी सब कुछ देखेंगी। मुझ पर विश्वास करो, ये बहुत अच्छा होगा। खैर, अब मैं कर रही हूँ, एक चमत्कार देखने के लिए तैयार हो जाओ। वाह, कितना खूबसूरत, अप्रत्याशित। मुझे आशा है कि बॉबी को यह पसंद आएगा। मेरा बेटा, हमारे पास सब कुछ तैयार है। हाँ, ये तुम्हारे डेजर्ट को खाने का समय है, चखकर बताओ। वाह, खुशी के साथ, कितनी मीठी चीजें हैं यहाँ।
वाह, एक असली इंद्रधनुष। इसका स्वाद कमाल का है, सिर्फ दिव्य स्वाद। बहुत अच्छा है माँ, बढ़िया काम। और इस केक में बहुत सारी चॉकलेट है, और ये बहुत स्वादिष्ट है दादी, ये सुपर है। अब बस अंतिम केक बचा है। यह बर्फ केक विशाल आइसबर्ग की तरह दिखता है। कितनी क्रीम, लेकिन फिर भी जीत एमा के लिए है। यह आखिरी दौर का समय है, मुझे मार्शमेलो के साथ कोको चाहिए। एक ड्रिंक बनाना आसान है, ये मेरा सबसे अच्छा राउंड होगा। निष्कर्ष पर मत कूदो जेन, दुनिया में दादी से बेहतर कोको नहीं कोई बना सकता। मुझे बढ़िया दूध और कोको पाउडर की जरूरत होगी। मैं और अधिक डालूंगी ताकि स्वाद जितना संभव हो उतना चॉकलेटी हो। और अब मैं इसे एक विस्क के साथ ठीक से मिलाऊंगी, इससे गांठ से छुटकारा मिलेगा। मेरी राय में अभी भी पर्याप्त चॉकलेट नहीं है, मुझे थोड़ा और डालना होगा। मैं इसे टुकड़ों में तोड़ दूंगी, इसे ये तेजी से पिघल जाएगा। दादी ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तुमसे कहा था मेरे समान दूसरा कोई कोको नहीं बना सकता। मैं इसे अपने फेवरेट मग में डालूंगी, सब कुछ तैयार हो जाएगा। तुम जल्दी खुश हो रही हो दादी, तुमने कभी मेरा कोको नहीं चखा है। नहीं तो तुम्हें यह समझ में आ जाता कि मैं एक योग्य प्रतियोगी हूँ। बस टेक्सचर को देखो, मैं एक असली मास्टर हूँ। और दूध नहीं, सिर्फ क्रीम। मुझे कोमल फोम पाने के लिए मिक्सर के साथ उन्हें ठीक से मिलाना होगा। और अब मैं इसे ऊपर रखूंगी, ऐसा ड्रिंक किसी भी बच्चे को खुश करेगा। मैं लगभग फाइनल टच भूल गई, मार्शमेलो और ऊपर थोड़ा चॉकलेट सॉस। हाँ मैं मानती हूँ यह प्रभावशाली है। मेरा विश्वास करो, मैं भी खाना बना सकती हूँ। ऐसा लगता है किसी चीज की कमी है, हमें और डालने की जरूरत है। बॉबी निश्चित रूप से इसे पसंद करेगा। और क्या होगा अगर हम ओरियो भी लें? मुझे लगता है कि यह मुंह में क्रंच करना बहुत अच्छा होगा। थोड़ी कैंडी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वफल ट्यूब, चॉकलेट सिरप और सुंदरता के लिए स्प्रिंकल्स, सब कुछ। अब यह निश्चित रूप से तैयार है। लो इसे चख कर बताओ बॉबी। ओह वाह, बुरा नहीं है, आप मुझे लगातार खुश कर रहे हैं। वाह, ऊपर बहुत सारे ट्रीट्स हैं, हम पी सकते हैं और साथ ही खा भी सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट, सही बैलेंस। लेकिन मैं नहीं रुकूंगा, मुझे सब कुछ चेक कर देखना है। ओह दादी ये तुम्हारा मग है, कितना प्यारा है। मुझे पाप करना, लेकिन ड्रिंक बस कुछ ऐसे ही है। मैं इसे किसी चीज से हटाना चाहता हूँ, मुझे लगता है यह काम करेगा। यह काफी रिच है, लेकिन फिर भी मुझे पहला ड्रिंक अधिक पसंद आया। मैं सबसे अच्छी हूँ। यदि आप खाना बनाना जानते हैं तो कमेंट्स में अपना सिग्नेचर डिश शेयर करें, हम निश्चित रूप से इसका उपयोग करेंगे।